हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूँ ऑल टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत अच्छे ब्यूटीफुल ग्राफिक्स वाले एंड्रॉयड गेम्स के बारे में, और उन सभी गेम्स के अंदर ढेर सारी फाइटिंग देखने को मिल जाएगी, बहुत ही कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ दोस्तों ढेर सारा गेम ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो कौन सा गेम्स है। और दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो कीजिएगा एक लाइक, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई लोग जल्दी से जाकर कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो दोस्तों हमारी सीरीज़ में पहला गेम निकल के आता है शैडो फाइट अरेना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, शैडो फाइट की तरफ से आने वाला बिल्कुल लेटेस्ट गेम। लेकिन इस गेम में शैडो गायब होते हुए देखने को मिलेगा, बिकॉज जो आपके कैरेक्टर्स है, आपके आसपास का बैकग्राउंड है, उन सभी में कलर्स देखने को मिलेगा, और वो इस गेम को हाई ग्राफिक्स और कमाल का लुक प्रोवाइड करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको रियल टाइम पीवीपी एक्शन देखने को मिलता है, यानी कि आप लोग रियल टाइम में दूसरे अपोनेंट के साथ में प्ले करेंगे, यानी कि आप लोग और भी ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप अपने सामने वाले अपोनेंट्स को हरा रहे होंगे। इसका मतलब आप रियल टाइम में किसी प्लेयर्स को हराना होगा, कि इसी के साथ आपका अपना ग्रुप बनाना होगा थ्री कैरेक्टर्स को आप अलग अलग चुनेंगे। सबके पास अपनी खुद की एबिलिटी होगी, यूनिक पावर्स होगी, जिसका आप इस फाइट करते समय इस्तेमाल करेंगे। ढेर सारे नए कॉम्बोज देखने को मिल जाएगा, नए मूव्स हैं जिनका फाइट करते टाइम इस्तेमाल करेंगे अपने अपोनेंट्स को हराने के लिए। और अब चलिए दोस्तों हम अपने सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकेंड गेम की, जो निकल के आता है स्टॉर्म बॉय। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और कमाल का स्टोरी बेस्ड गेम है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिल जाती है, ढेर सारे पजल्स आती है, काफ़ी सारी रिडल्स आती है जिनको आप लोगों को सॉल्व करना होगा। और दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा रिश्ता दिखाया जाता है इसके पेट और मेल लीड कैरेक्टर के बीच में। आप दोनों ही कैरेक्टर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी स्टोरी को प्ले करेंगे और नए नए लोकेशंस में जाएंगे, और कई बार आप अंडर वाटर भी जाते हैं, यानी कि ढेर सारा एक्सप्लोरेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस गेम को प्ले ना किया हो तो एक बार ज़रूर से प्ले कीजिएगा, मेमोरेबल एक्सपीरियंस होने वाला है अच्छी ग्राफिक्स के साथ में। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे सीरीज़ के थर्ड गेम की, जो निकल के आता है लॉस्ट इको। लॉस्ट इको भी दोस्तों एक स्टोरी बेस्ड गेम है, जिसमें एक्चुअली में होता है फ्यूचर के टाइम में उसकी गर्लफ्रेंड डिसअपियर हो जाती है, और वो पूरी कोशिश करता है फाइंड आउट करने की उसके साथ क्या हुआ था, कैसे वो गायब हुए, और जो आसपास के लोगों से पता करता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में नहीं पता होता। यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली बात है, कोई उसके बारे में जानता ही नहीं था। ये सब आपको इस गेम में देखने को मिलेगा। जैसे तैसे आप लोग गेम में आगे जाते हैं, ढेर सारे ऑप्टिकल्स, काफ़ी सारे एनिमी से आप लोगों को फाइट करने के लिए मिलेंगी, और बहुत सारे पजल्स आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि एक मज़ेदार सी एडवेंचर जर्नी होने वाली है, जिसके अंदर आप लोगों को अच्छी ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगी, एक ब्यूटीफुल स्टोरी मिलेगी जिसको आप लोगों को कम्प्लीट करना होगा। और चलिए अब इसी के साथ में आगे बढ़ते और बात करते हैं एक धमाकेदार गेम की, यानी कि हमारा फोर्थ गेम निकल के आता है, वो है दोस्तों निमियन लेजेंड्स। अब इस गेम के बारे में आप लोगों को क्या बताऊँ, ये इतना ज़्यादा प्यारा ब्यूटीफुल वर्ल्ड है जिसमें आप लोग को फैंटेसी एनवायरनमेंट देखने को मिल जाता है, कमाल की ग्राफिक्स है, इसमें आप कहीं पे भी जा सकते हैं, ट्रू रियलिस्टिक ओपन वर्ल्ड गेम है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको स्वाइप चेंजिंग की पावर्स मिल जाती है, यानी कि किसी भी करेक्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, चाहे आप अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन कीजिए, चाहे आसमान में उड़कर एक्सप्लोरेशन कीजिए, किसी भी करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग अपने स्टोरी को प्ले कर सकते हैं। आप लोगों को फुल फ्रीडम दे दी जाती है, यानी कि आप लोग पूरी तरह से ओपन वर्ल्ड में मज़ा उठा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको कमाल की स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, जैसे तैसे आप लोग इस गेम को प्ले करेंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे सीरीज़ में आने वाले फिफ्थ गेम की, जो निकल के आता है एग्जाइल्स। ये भी एक साइंस फिक्शन ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है दोस्तों, जिसमें आप लोगों को सामना होने वाला है एलियंस से। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, यहाँ आपको एलियंस बैटल देखने को मिल जाएगा। आप लोग स्पेसशिप में जाएंगे, ढेर सारा एक्सप्लोरेशन करेंगे, आपको बहुत ही कमाल का ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा। आप लोग मेल या फीमेल कोई भी करेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसी करेक्टर के साथ में आप लोगों को स्टोरी बढ़ाना होगा। इस गेम में आपको ढेर सारी फाइटिंग सीन भी देखने को मिल जाती है, यानी कि ये फाइटिंग गेम भी बन जाता है,
और इस गेम में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिल जाता है, लाइक डे एंड नाइट का टाइम साइकिल, रियलिस्टिक शेडो और बहुत सारा एक्सप्लोरेशन लाइक ग्राउंड टेम्पल्स, केव एंड ढेर सारा रिन्स, जिससे आप लोगों को एक्सप्लोर करने को दिया जाएगा। और अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं हमारे सीरीज़ के लास्ट गेम की, जो निकल के आता है पॉकेट बिल्ड अल्टीमेट सैंडबॉक्स बिल्डिंग, यानी कि दोस्तों माइनक्राफ्ट जैसा सर्वाइवल गेम है, जहाँ पे आप लोगों को बिल्डिंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो कुछ भी बिल्ड करना है कर पाएंगे, आसपास की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, टूल्स वगैरह को यूज़ करते हुए, और जो गेम की ग्राफिक्स है वो आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। हालांकि है तो एनिमेटेड स्टाइल की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल देखने को मिलती है। सो दोस्तों ये थे वो सारे के सारे गेम्स, आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। और ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ स्टे ट्यून रहिए। चलिए मैं मिलता हूँ एक और धमाकेदार वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग ऑल टेक, गुड बाय।